इस दादा को ले लिया हमने, पिक कर लिया। हम निकल रहे घर, और जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका है। और बताओ दादा, कैसा लग रहा है दिल्ली? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। -10 से आया इधर, -33°C। डोसा बने थे, देखाऊंगा नहीं था, आज मैं स्टॉल था। तो क्या गाइस, आज मम्मा ने डोसा बनाया था, मैंने खा तो लिया था, मेरे को ज़्यादा मन नहीं है गाइस, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। सॉरी, चावल गरम कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, मेरा चावल गरम कर दो यार। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मम्मा भी परेशान हो रहे हैं, क्या करे, करना पड़ता है, ये भी एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो यार गर्मी है यहाँ अभी भी, स्टिल हम सर्दियों का वेट कर रहे हैं। सर्दी मुझे लग रहा आएगा नहीं, ना इस हिसाब से सर्दी आएगा नहीं, मुझे भी लगने लगा है। तो बाकी कोई बाहर बाहर का प्लान है, कुछ काम वाम? नहीं, मेरा भी गाइस मन नहीं है, बिकॉज आज मेरा रात को भी ट्रेनिंग है, तो मैं भी जो मेरे और कुछ सामान थे मैंने घर पे मंगा। अच्छा, उसको पसंद है, रोही को पसंद है डोसा, मुझे तो बिल्कुल नहीं। चलो हाँ, कर दो कर। इस मीठा सा के ले लिया मैंने रसमलाई, बिकॉज मीठा खाने का मन कर रहा था ना। जब मन हो ना वो चीज़ खा लो, जो मन हो खा लो, जो चीज़ मन हो ना वो खा लिया करो, पैसे की टेंशन मत लिया करो, मन मार के कभी मत बैठा करो। अब मारते नहीं हूँ, हाँ वही तो, ये रख दे तो डिकैथलॉन का सैंडल यहाँ रखा हुआ है भी। ये फिर लाया मैंने। हाय, मम्मा करेगा जो मम्मा को चाहिए वो मिल ही जाता है मम्मा को। और चप्पल मेरा 2 कार्टन है। बाप रे बाप, ये ले गया डिकैथलॉन से। क्या कह रहा, अब जो मन होता है वो ले लेती हूँ मैं जो मुझे मन हो वो ले लेती हूँ। पता है उस दिन मैंने बोला था ना, केदारनाथ गई थी, मेरे को 4,000 का जूता मत दिला, ये खरीदी उसने 1700 का था। ये आप कितने का है? ये ऑनलाइन मंगाया आयशरे ने, ठीक है, नया नंबर लगा कर नया आईडी से मंगाने, 200 और सस्ता 1300 को डिस्काउंट हो गया, वहाँ डिकैथलॉन अभी 1300 को रखा है। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर नया करके उसने मंगा दिया 1100 का, बड़ा भाई 1800 को खरीदने वाली थी भाई। सच में सही डिस्काउंट मिल गया, देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, मम्मा भी बिल्कुल एकदम सही इंजॉय कर रही है लाइफ को, करना भी चाहिए। और अभी आप लोगों के लिए एक मीटअप का प्लान कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर देंगे, अभी वो 100% श्योर नहीं, क्योंकि ना अभी क्या है ना, एकदम इतने सारे बैक टू बैक बिजी शेड्यूल है और कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी कमिटमेंट नहीं बढ़ी कि आप लोगों के लिए प्लान करेंगे, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए, तो और यहाँ के लोगों के लिए भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे, एक दिन तो मिलना ही चाहिए सबसे हमें। हाँ ठीक है, सबको अभी बोल के रख देना हम आ रहे हैं। सो गाइस, हम आ रहे आसाम, और आसाम कहाँ आ रहे, हम आ रहे डिब्रूगढ़, तो आप लोग हम लोगों से मिल सकते हो। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आऊँगा आसाम, मुझे आसाम अरुणाचल प्रदेश मतलब नॉर्थ ईस्ट घूमना। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मम्मा क्या बना रहे हो सुबह सुबह? अच्छा, दादा के आने की कोशिश में मछली बन रही है। हाँ गाइस, देखो ना जान, ये बाइक ना सच में एक टाइम में बहुत क्रेज था, अभी भी बहुत टाइम क्रेज है, रॉयल इनफील्ड की क्लासिक देखो तो, और धूप भी देखो ना, सुबह सुबह का ये जो धूप है ना बहुत अच्छा रहता है गाइस, सनराइज़ जो होता है ना, अर्ली मॉर्निंग की धूप हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत स्पेशल होता है, बिकॉज ना जो ये आपके अंदर ना पूरी दिन की एनर्जी लेके आती है, और एक ना आपके अंदर से आलसपन हटाता है। और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जब मैं अपनी प्रैक्टिस करा के आता हूँ, रोड में रनिंग कर रहे होते, साइकिलिंग कर रहे होते, स्किपिंग कर रहे होते, मतलब फुल ऑन डेडिकेशन चाहिए गाइस, और आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोगों को रियल में अपना वेट कम करना है, और जो लोग मेंटली काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं ना, क्योंकि लाइफ में हर किसी के लाइफ में मेंटली स्ट्रेस है ही, किसी के पास चीज़ें हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है तो स्ट्रेस ज़्यादा है, एवरीथिंग स्ट्रेसिंग चल रही है, बट अपना इसको देख के स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अरे को गाइस, ये स्किट विस्किट सब ठीक करने हैं। चलो मम्मा चाय पिला दो, फिर मैं चाय पी के हल्का होता, फिर निकलते हैं। 8:15 तक निकल सकते हैं ना? चलो ठीक है, तो गाइस 8:15 तक भी निकलेंगे, क्योंकि वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को गाइस अभी से एक आप लोगों को अनाउंस कर देता हूँ, कल भी कर दिया मैंने, वी आर कमिंग, और हम आ रहे हैं आसाम, और आसाम में कहाँ आ रहे हैं वो आपको मेरी स्टोरी देखते रहना पड़ेगा इंस्टाग्राम का, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा।
सुबह सुबह खाना बनते हुए देख रहा ना, अजीब लगा अभी 7 बजे और खाना बन रहा, ऐसा लग रहा गाँव में नहीं बनता, गाँव में बनता है। मुझे जाना है ना। अच्छा सुबह की चाय, और गाइस आप जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करते प्यार करते वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो देखो सामने। मम्मा आजकल चाय बढ़िया बनाने लगे गाइस, अभी मम्मा सुबह से लगी पड़ी है क्योंकि आज हमारे दादा आने वाले। बाकी हमारे काफ़ी व्यूवर्स कहते रहते शैशी को भगा दिया, शैशी के साथ ये कर दिया, ये मैं बताऊँ सच में गाइस वो सोच बहुत मैटर करते, जैसे आप लोग खुद होते हो ना वैसे सोचते, और ये कुछ गिने चुने लोग हैं बिकॉज जो हमें बहुत पहले से देख रहे पसंद कर रहे, उन लोगों को पता हम शैशी को कितना प्यार करते थे, कितना ध्यान रखते थे, उसकी टेक केयर करते थे, बट अब वो चला गया है। अब देखो अब वो बड़ा हो गया है, और अब क्या है ना हमने बहुत ढूंढा भी, ऐसा नहीं हमने ढूंढा नहीं, पूरा आसपास का एरिया सब ढूंढ लिया, तो अब मे भी वो यहाँ से कहीं दूर ही चला गया है, देखते बाकी वो तो सही रहे, खुश रहे, मस्त रहे। मैं तो यही चाहूँगा जो लाइफ से जा चुका है, जो चला गया दूर, तो अब जाने को ला नहीं सकते, बट मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। कुछ सब्सक्राइबर कह रहे कि हमने शैशी को भगा दिया, हमें कोई परवाह नहीं, हम खुश है, हैप्पी है, क्या कहना चाहोगे? कितनी बड़ा जल प्रलय है इतने बीमारी हो गया था, आपको क्या पता हम कितना पैसा लगाते हैं उसका, हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। तो अरे अब जैसा आपका दिमाग में बातें निकलता ना वैसे मुंह से मत निकाला करो, ऐसा नहीं तो कभी अच्छे से सोचा करो ना इसके। हमारा पीछे वीडियो देखना हम उसको कैसे रखते थे, वैसे मैं पीछे उसका वीडियो देख नहीं सकती हूँ, ये मतलब थोड़ी ना ऐसे मैं रोने बैठ जाऊँ, ऐसा तो नहीं है ना। 6 महीने के हिसाब में आगे भी बढ़ना होता है, अब क्या करूँ, चला गया ढूंढा नहीं ढूंढा चाहिए लोगों को, पैसा बच्चों को लगाया मैंने, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, कहाँ मिला। लेने जा रहे हैं मदन दादा को, डेली घंटे जा रहे और यहाँ से दिखा रहे 1 घंटे 9 मिनट, अगर यही सुबह सुबह निकलते ना तो 6-7 बजे तो 1 घंटे में पहुँच जाते, 1 घंटे क्या 45-50 मिनट में। और मैं गया उससे पहले भी डेली घंट कॉलेज के साइड से, मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे मैराथन टाइप में, तब काफ़ी सेलिब्रिटी भी आए हुए थे, तो आज सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जा रहा हूँ डेली घंट, और मामा भी आई हुई है साथ में एप्पल खाते हुए। इस ट्रैफिक ना मिले तो ऐसा हो सकता है, देखो वो नया रूट है उधर भी ट्रैफिक है, ये वाला 12 पुला जाने वाला रास्ता यह भी ट्रैफिक है, मतलब वेलकम टू दिल्ली ट्रैफिक, पता नहीं इतने रूट बना दिए तभी भी ट्रैफिक है, आई डोंट समझ में नहीं आता, इतने 3-4 रास्ते बन गए, ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ी आ रही है। देखो वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कितनी ट्रैफिक है, वो देखो नया रूट, ये रास्ता जानती हो? हाँ वो भी देखो पूरा ट्रैफिक है, ये नया बना है सब गाइस, ये देखो भाई साहब देखो अपने रास्ता चेंज कर रहे हैं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट जगह है गाइस, ऑल टाइम काफ़ी वीडियोस शूट हो रखे, काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हो रखी है। इस दादा को ले लिया हमने, पिक कर लिया, हम निकल रहे घर, और जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका है। और बताओ दादा कैसा लग रहा है दिल्ली? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, -10 से आया इधर, -33°C। दादा के काफी दोस्त थे पर उनके साथ वीडियो शूट नहीं किया मैंने, तो बट नेक्स्ट टाइम जरूर शूट करेंगे। चलो गाइस अब आप लोगों को सीधा घर पे मिलते हैं, दादा तो आ चुके हैं। तो गाइस इतने सामान लेके आए हम आज, दादा तो फर्स्ट टाइम आए ना दादा इस घर पे। दादा ये आपकी फोटो स्मार्ट लग रहे हो, ये टाइम भी आपका, ये आपका टाइम का जवाब गिफ्ट है, मैं सोचा आपकी फोटो है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, सो दिस इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सबको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप मेरे चैनल पे नए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू, लव यू, बाय बाय।